बीते दिन एक सिरफिरे प्रेमी ने कुड़ी का कत्ल कर दिता सी। घर दे विच गोली मार के मौत दे घाट उतारिया सी। हुण उस मामले दे नाल जुड़ी हुई अहम खबर निकल के सामने आई है। जनाला दे विच घटना वापरी सी। हुण उस नौजवान ने भी अपने आप नूं गोली मार ली है। उसकी जिहड़ी जख्मी हालत दे विच उह मिलिया है, स्कूल दे विच तड़फ रहा सी। तां इसे दौरान लोगों ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस मौके पर पहुंची तो उसनू कब्जे के लिया। तो जिस तो बाद इस नौजवान को जख्मी हालत के हस्पताल लिजाया गया जिथे कि उसका इलाज चल रहा है। वो तस्वीर भी तुहानू दिखा रहे हैं। यह अजनाला दे विच घटना वापरी सी। एक सिरफिरे प्रेमी दे वल्लों कुड़ी दा कतल कर दिता सी। घर दे विच दो गोलियां मारी गईयां, एक गोली कुड़ी दे लगदी आ। वो तस्वीर भी तुहानू असीं कुड़ी दी दिखा रहे हां ते परिवार इंसाफ दी मांग कर रहा। ते हुण उस तो बाद इस लड़के दे वल्लों इस प्रेमी दे वल्लों खुद नूं गोली मार ली गई है। जख्मी हालत दे विच तड़फदा स्कूल दे विच मिलिया। पिंड अलीवाल कोटली दे विच इह तड़फ रहा सी। तां इसे दौरान पिंड दे लोकां ने सूचित किया तो पुलिस मौके पर पहुंची तो इस नौजवान को उत्थों ले जा के पहला हस्पताल दे विच उसका इलाज कराया। तो पुलिस अगे की जांच कर रही है। खास गल इहदे विच इह भी सामने आई है कि जिहड़ा असला सी इस दे कोल वो नजायज़ सी, वो पुलिस ने बरामद कर लिया। इस दे दो होर साथी भी ने जदों कुड़ी नूं गोली मारी गई आ तो उन्हां दी भी पुलिस भाल कर रही है। तो दूजी गल जिहड़े जिथे एक घटना वापरी है जिथे नौजवान तड़फदा मिलिया, स्कूल सी सरकारी अदारा सी कि गोली उत्थे चलाई गई आ, यह भी जांच का विषय। जेकर स्कूल के अंदर इस व्यक्ति ने गोली चलाई है तो इससे वह मामला भी दर्ज होगा कि स्कूल के अंदर सरकारी अदारे के अंदर गोली किस तरह चलाई। भावें कि स्कूल के भी साढ़े सहयोगी ने दसिया कि छुट्टी सी, छुट्टी होने तो बाद तड़फदा उस स्कूल के अंदर मिलिया, पर इस एंगल तो भी पुलिस नूं जांच हो सकता करे कि इस व्यक्ति दे वल्लों कि स्कूल दे अंदर गोली चलाई गई है, स्कूल दे विच छुट्टी सी, छुट्टी तो बाद जिहड़ा नौजवान वह तड़फदा होया मिलिया है। तो पुलिस मामले की जांच कर रही है। तुहानू एक बार फिर दस दिंदे आ, अजनाला दे विच बीते दिन एक घटना वापरी सी। एक सिरफिरे प्रेमी दे वल्लों कुड़ी का गोली मार के कतल कर दिता गया सी। तो हुण उस मामले दे विच नवीं अपडेट निकल के सामने आई आ। तो उस नौजवान ने भी खुद नूं गोली मारी आ ते जख्मी हालत दे विच तड़फ रहा सी। तां इसे दौरान पिंड अलीवाल कोटलियां दे लोकां ने पुलिस को सूचित किया तो पुलिस मौके पर पहुंची तो इस नौजवान को पहला हस्पताल लैके गई। तो इस तो जिहड़ा नजायज़ असला सी पिस्तौल सी वह बरामद होया तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया तो अगे की जांच की जा रही है। इस घटना बारे पुलिस अधिकारी का की कहना है वह भी सुनो। ना कल ये लड़के ने वीर सिंह दीनेवाल का लड़का इन्हें लड़की ने गोली मारी सी। लड़की एक्सपायर हो गई एफ आई आर दर्ज सी ये खिलाफ होर दो बंदे खिलाफ। तो अज सानू सूचना मिली है भी पिंड अलीवाल कोटली इतने स्कूल दे विच पिंड की पंचायत वालों सानू बहुत बार दस्या गया भी ये लड़का जिहड़ा हैगा डंडी भाई ही उन्हां दा भी इन्हें अपने आप नू कोई इहदे ब्लड वग रहा तो स्कूल के अंदर ही ये पिया लंबा। जदों ही मौके पर जाके देखा तो ये लागे पिस्टल सीगा जिहड़ा इन्हें बकूए दे विच वरत्या तो बरामद हो चुका है और होश दे विच सीगा। इनू पुछी सारी गलबात तो सब तो पहला इनू इमीजिएट इनू लिया के सिविल होस्पिटल अजनाले एडमिट कराया गया। इन्हें अपने आप नू शूट किया वा, गोली मारी है पेट चों लग के पिछे गोली ये निकली है जी। तो जिहदे जिहदे नाल इन्हें लड़की नू फायर किया सीगा जी, फायर किया सी उही वैपन प्लस उस नाल ही इन्हें अपने आप नू किया जी। ये देखो कल की गल क्लीयर सी, लड़की ना उहदा पिछा करदा सी, चाहुंदा सी मैं शादी करनी, बट उहदा परिवार लड़की दी एज घट सी, इस चीज़ नाल सहमत नहीं सी, इस करके इन्हें जिहड़ा अपने आप नूं गोली मारी है। फिलहाल हाले स्टेबल स्थिति च है, ठीक है। हुण इहदे नाल डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं तो एमरजेंसी सिविल होस्पिटल अजनाला एडमिट है। खुद नूं हुण थोड़ा जिहा ठीक हुंदा तो मैं अगली स्टेटमेंट लैके इहदी पुछगिछ करके फिलहाल तो इलाज लई लैके इलीगल है, गैर कानूनी वैपन है जी तो वह बरामद हो चुका है। हाँ यदा एक नौजवान होर साथी पहला गिरफ़्तार किया गया बट यदी हुण स्टेटमेंट से कौन कौन ये उस वाक्य शामिल से कल वाले वो असल दोषियों नॉमीनेट करा जिहड़ा अणपछाता वा। हुण इहनू पुछदे हले बिल्कुल हले बयान देने की कंडीशन सी नहीं, हुण थोड़ा ट्रीटमेंट हुंदी इलाज हुंदा तो इलाज तो बाद फिर स्टेटमेंट लैके मुताबिक आइडेंटीफाई करा। पिस्टल इलीगल आ 7.62 जिहड़ा 32 बोर का हैगा जी नजायज़ तो वह बरामद हो चुका वा। नहीं कॉटरेज नहीं रौंद अज नहीं खाली मिले वा। हाँ बिल्कुल।